नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के इलेक्शन को देखते हुए, 2024 के लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए जिस तरीके से यहां पर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं और इवन अपनी रणनीतियों के साथ अब वो जमीन पर भी उतरती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं एक पार्टी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार में है और जिसने इस बार अपना ब्रह्मास्त्र निकाला है जिसका नाम है यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता भी कहा जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद है सभी धर्म, सभी जाति, सभी कल्चर को एक समान कानून में पिरोना, यानी कि जितने भी अलग अलग पर्सनल लॉज होते हैं जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, सिख पर्सनल लॉज हैं और ऐसे ही अलग अलग धर्मों के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग जातियों के अपने पर्सनल जो है वो नियम कानून, उन सब के लिए एक कानून बनाना और उन सभी को एक कानून में बांधना, ये यूसीसी का एक बहुत बड़ा एजेंडा है और उसका प्रावधान भी है। आपको बता दें कि इसको लेकर समय समय पर देश में इसको लागू करने की मांगे जो है वो उठती रही है और साथ ही समय समय पर यह भी बात उठती रही है कि इसकी देश को कतई भी जो जरूरत है वो नहीं है। और इसी को देखते हुए अब 2024 में एक बार फिर इसको उठाने की बात कर दी गई है 2024 के इलेक्शन को देखते हुए, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर महागठबंधन की राजनीति हो रही है वही इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी को अपना हथियार बनाया है महागठबंधन के विरोध में, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर महागठबंधन बन जाता है और वो सफल हो जाता है पॉलिटिक्स में उतर कर चुनाव लड़ने में, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आंकड़ों में जो है वो कमी देखने को मिलेगी और इसी के चलते उन्होंने यूसीसी को उठाया है क्योंकि वो एक खास वोट बैंक को यूसीसी से साध सकता है। और इसी को देखते हुए यहां पर यूसीसी की जो पहल की गई, जो आगे की उसकी कार्यवाही शुरू की गई, उसमें सबसे पहला था कि सभी लोगों से इसके बारे में प्रतिक्रिया लेना है, यानी कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं और जितने भी जो धर्म हैं उनके जो प्रतिनिधित्व हैं यानी कि जो प्रतिनिधित्व उसका करते हैं जो लीडर्स हैं उनसे भी इसकी राय मांगना। और इसको देखते हुए अब कुछ ही समय में इसकी जो डेडलाइन है वो आ चुकी है और वो खत्म हो जाएगी और जितने भी अभी तक इस पे जो भी रिस्पांस दायर की गए हैं उस पर स्टडी की जाएगी और उसके बाद इसको लेकर जो है वो फैसला आगे का किया जाएगा कि आगे अब इस पे क्या नेक्स्ट स्टेप लिया जाना है। लेकिन आपको बता दें कि हमारे देश में एक बहुत बड़ा समुदाय है, मुस्लिम समुदाय, जो इसका विरोध कर रहा है और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, कई हिंदू संगठन भी हैं जो इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध जो देखा जा रहा है वो मुस्लिम समुदाय में इसके अंदर देखा जा रहा है, क्योंकि उनको डर है कि अगर ये आ जाएगा तो उनके धर्म पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा और साथ ही साथ भारत की विविधता पर भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाएगा, सभी को सिर्फ एक धर्म में बांधने की जो कोशिश है वो की जाएगी। आपको बता दें कि इसी को देखते हुए भारत देश की कई मस्जिदों में जो है वो QR कोड लगाए गए हैं जिसमें लिखा गया है नो यूसीसी। आप उस QR कोड को जैसे ही स्कैन करते हैं उसमें नो यूसीसी की जो आपका पूरा रिस्पॉन्स है वो डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जो है वो सबमिट हो जाता है। इस तरीके के QR कोड जो है वो कई मस्जिदों में लगाए गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मस्जिदों में नो यूसीसी के QR कोड लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद के कुरार गांव की हद नूरानी मस्जिद सहित आसपास की मस्जिदों में नो यूसीसी के QR कोड लगाए गए। इस मुहिम के साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वह यूसीसी कानून लागू नहीं होने देगा। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में कुरार गांव की हद नूरानी मस्जिद में ये लगाए गए हैं। इसके साथ ही ये अपील भी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नो यूसीसी के कोड को स्कैन कर विरोध जताएं और यूसीसी का खंडन करें। इस कोड का कैसे इस्तेमाल करना है इसको लेकर एक वीडियो भी जो है वो बनाया गया है जो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और लोगों को इसके बारे में बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी के तहत AIMPLB द्वारा जारी किए एक बयान के मुताबिक यूसीसी को लेकर विधि आयोग के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति में बोर्ड ने कहा है कि आयोग की तरफ से इस सिलसिले में जारी किए गए नोटिस अस्पष्ट और बेहद साधारण सी है, साथ ही यूसीसी को लेकर जनमत ले चुका है और उनका यह कहना है कि कोई भी मुस्लिम समुदाय जो है, ज्यादातर मुस्लिम समुदाय इसके खिलाफ है और हम इसका खुलकर जो है वो विरोध करेंगे। और जिस तरीके से ये विरोध देखने को मिल रहा है उससे ये पता चलता है कि देश में जितना मुस्लिम समुदाय है उसमें से 90% जो है वो इसके विरोध में उतरते हुए नजर आ रहे हैं। वो बात अलग है कि देश के अलग अलग जो प्रजाति
जनजातियों के लोग हैं जो जनजातियों से आते हैं, जैसे कि आदिवासी समुदाय की बात कर लें, कुछ हिंदू संगठन की बात कर लें, कुछ दलित समुदाय की बात कर लें, और कुछ ऐसी जातियां जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, वो भी इसके विरोध में नजर आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक कानून लाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके जो पर्सनल कानून है उन पर इससे सवाल खड़ा किया जाएगा और एक तरीके से उनको उनके कानून, उनकी जाति, उनके कल्चर से अलग किया जा रहा है। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या यूसीसी देश में लागू हो जाएगा, और अगर देश में यूसीसी लागू हो जाता है तो उसके बाद देश की स्थिति कैसी होगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।